दोस्तों मैं हूं यूसुफ अली। इस समय हमारे साथ मौजूद है वीना विराज अल्मेडा मैडम। इन्होंने हाल ही में मिसेस एशिया कॉन्टिनेंटल का खिताब जीता है। इनसे सीधी बातचीत करते हैं। मैडम नमस्ते। मैडम आपने हाल ही में ये का अवार्ड जीता है मिसेस क्वीन का, तो कैसा फील हो रहा है? इस जर्नी में आपको क्या दिक्कतें आई, आपको क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में बताइए। ये मिसेस इन एशिया इंटरनेशनल ये पेजेंट एक्चुअली ये बिफोर लॉकडाउन होने वाली थी, तो पर लॉकडाउन के लिए हमारा वो पोस्टपोन हो गया था। तो हमारी जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट किया था हमको ऑनलाइन में, ओके, तो मेन हमारा जजिंग क्राइटेरिया था ये लॉकडाउन में हमने विमेंस को, गर्ल्स को, बच्चों को हमने क्या किया है उसके ऊपर हमको प्रोफाइल बनानी थी, वो बनाया था मैंने, ओके। और ये आफ्टर लॉकडाउन वो आउट ऑफ इंडिया होने वाली थी और लकीली कि वो मुंबई में हो गया और मैं नेक्स्ट लेवल में पार्टिसिपेशन कर सकी और नेक्स्ट लेवल में मैं अभी तक यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ। आई एम द विनर ऑफ दिस एशिया इंटरनेशनल 2021। थैंक यू सर। मैडम वसई के होने के नाते आप कैसा फील करते हो? वसई मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि वही मैं बताना चाहती हूँ कि मैं वसई में रुके जो भी वसई के वुमेन्स है, वसई के जो बच्चे हैं और गर्ल्स के, उन लोगों को मैं बहुत इनक्रेज करती हूँ कि बहुत एक्टिविटीज़ में आगे आनी चाहिए। ऐसे आज यहाँ पे देवेंद्र सर ने यहाँ पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट वो रखी है वुमेन्स को, तो हमको इनक्रेज करनी है, आगे आनी है, वो कॉन्फिडेंस लेवल हमको बढ़ानी है सो दैट वी कैन बी द सक्सेसफुल ह्यूमन बींग हमको बननी है। मैडम थैंक यू। इससे पहले आपने कौन कौन से इवेंट में हिस्सा लिया है और क्या करते हैं? यस, मैंने 2019 में मिसेस इंडिया यूनिवर्स मॉरिशियस में हमारा हो गया था। वहाँ पे मुझे मिसेस इंडिया यूनिवर्स वुमेन ऑफ सब्सटेंस में विन हो गई थी। उसके अलावा मुझे एक और एक अवार्ड मिला था केटो चैरिटी क्वीन, उस चीज़ के लिए मैंने फंड रेज किया था अराउंड 2 लाख। उसके लिए मुझे वसई विरार नालासोपारा मुंबई बहुत जन ने, बहुत फ्रेंड्स ने और बहुत हमारे सोसाइटी के सब ने मुझे बहुत मदद की थी वो फंड रेज करने के लिए। मैं उन लोगों के लिए थैंकफुल हूँ और उसके लिए मुझे वो केटो चैरिटी क्वीन वो अवार्ड मिल गया था। मैडम थैंक यू। लास्ट सवाल यस सर, आज की पीढ़ी को और जो यहाँ अभी जैसा प्रोग्राम हुआ 30 के ऊपर, तो उनको आपकी तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आगे बढ़ो, जहाँ भी हो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करो और बी ए गुड ह्यूमन बींग, पीछे मत रुको। एक यहाँ पे आज हमने यही सब गेस्ट ने यही बताया गया था कि एक लेडी, एक वुमन भी बहुत कुछ कर सकती है, हाउसवाइफ है तो भी क्या हो गया, बहुत सारा चीज़ कर सकती है। आज वो जो वुमन्स जो आए थे यहाँ पे हाउसवाइफ, जो भी घर पे काम करके आगे आके उन्होंने इतना सारा टैलेंट्स दिखाया, तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंट आपका बढ़ाओ, आगे आ जाओ और बी ए गुड ह्यूमन बींग एंड बी द चेंज। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।